हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी फिर ऑफ फिजिकल एजुकेशन चैनल। दोस्तों, आप सबके कहने पर मैं आज लेके आई हूँ डोपिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस। ओनली डोपिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस है, ऑल क्वेश्चंस आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इस वीडियो को आप एक एक क्वेश्चन अगर समझ गए तो इससे बाहर क्वेश्चंस नहीं आएगा। यदि डोपिंग का थ्योरी सेशन आप देखना चाहते हैं तो 3-4 वीडियो में ही बहुत ही शॉर्ट में सभी टॉपिक को ऐसे कवर किया है कि आपको एकदम बेसिक से सब कुछ समझ में आ जाएगा जो आपको बुक पढ़ने से समझ में नहीं आया होगा। तो दोस्तों, जैसा कि डेली बेसिस पर आप सबके लिए वीडियो ला रही हूँ, आप सब डेली बेसिस पर प्रैक्टिस करते रहिए। आपके पास अब टाइम बहुत कम है बीपीएससी और एमआईएस के लिए, एंड चाहे आप ऑल फिजिकल एजुकेशन कंपटीशन एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो ऑल स्टेट के लिए, तो सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सभी वीडियोज हैं। तो दोस्तों, चलते हैं आज के क्वेश्चंस की तरफ। सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक भी क्वेश्चंस मिस मत कीजिएगा। तो दोस्तों, वीडियो पूरा देखिएगा, आधे पर मत छोड़िएगा। तो दोस्तों, चलते हैं आज के क्वेश्चंस की तरफ। हम बता दें आपको कि नेक्स्ट वीडियो जो है योगा पर होगा, तो इंतजार करिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, एक खिलाड़ी द्वारा अपने प्रदर्शन में सुधार लाने के लिए गलत तरीके से बाहरी पदार्थ का सेवन करने को क्या कहते हैं? What is the misuse of foreign substances by an athlete to improve his performance called? तो दोस्तों, गलत तरीके से बाहरी पदार्थों का सेवन करके आप खेल प्रदर्शन कर रहे हैं तो उसी को कहा जाता है डोपिंग। ठीक है, अगर क्वेश्चन इस प्रकार से होता कि ऐसा पदार्थ या वैज्ञानिक विधि जिससे हमारी परफॉर्मेंस जो है बढ़ती है, हमारी कार्य क्षमता बढ़ती है, तो वो एर्गोजेनिक एड्स के अंतर्गत आ जाता। लेकिन जब गलत तरीके से बाहरी पदार्थ का सेवन कहेगा तो वो डोपिंग के अंतर्गत आएगा। तो दोनों चीजों में फर्क समझिएगा। एंड क्वेश्चन नंबर 2 है, वेट रिड्यूसिंग दुर्ग किसे कहते हैं? व्हाट इज कॉल्ड वेट रिड्यूसिंग फोर्ट? तो वेट रिड्यूसिंग मतलब भार को कम करने वाला दुर्ग किसे कहते हैं? तो दोस्तों, भार को कम करने वाला डोपिंग के अंतर्गत कौन सा पदार्थ आता है? तो वह होता है आपका ड्यूरेटिक्स। क्यों होता है? ड्यूरेटिक्स। ड्यूरेटिक्स को वेट रिड्यूसिंग सप्लीमेंट यानी दुर्ग बोला जाता है। इसमें क्या होता है कि 24 से 48 घंटों में भार कम हो जाता है, ज़्यादा यूरिन बनता है और यूरिन के वजह से ज़्यादा पानी बाहर निकल जाता है जिससे भार कम हो जाता है। और इसका सेवन डिरेटिक्स का जो है, भार से जुड़े खिलाड़ी जैसे कि रेसलिंग, बॉक्सिंग एंड कबड्डी के खिलाड़ी ज़्यादा यूज करते हैं। ये तीन प्रकार के लिए, तीन चीज़ों के लिए यूज होता है। पहला भार कम करने के लिए, दूसरा डोपिंग को छुपाने के लिए, क्योंकि इसके सेवन से यह नहीं पता चल पाता कि खिलाड़ी ने कौन सा सप्लीमेंट लिया हुआ है, कौन सा रसायन लिया हुआ है, एंड महिलाओं के मासिक धर्म चक्र के समय को परिवर्तित करने के लिए, तीन चीज़ों के लिए होता है। एंड दोस्तों, इसके अंतर्गत जो है एसिटाजोलामाइड, ब्यूमेटानॉइड, क्लोरथालिडोन आदि सप्लीमेंट आते हैं। और दोस्तों, एक बात ये भी है कि एनाबोलिक स्टेरॉइड के साथ या उसके बाद भी प्रयोग होता है जिससे पेशी में जो है कर्स लुक दिखाई देते हैं। तो दोस्तों, जो भी हर एक क्वेश्चन से 3-3, 4-4 क्वेश्चंस आपके बन जाएंगे, यानी कुल 70 क्वेश्चंस के लगभग हैं, और उससे ज़्यादा क्वेश्चंस बन जाएंगे क्योंकि जो भी ज़रूरत होगा वो ये एक्सप्लेन करती जाऊँगी। एंड क्वेश्चन नंबर 3 है, मैराडोना, बेन जॉनसन आदि कई नामी खिलाड़ियों पर डोपिंग के कारण प्रतिबंध लगाया गया था, वह कौन सा दुर्ग यानी सप्लीमेंट था? तो किस चीज़ का वो सब यूज किए थे कि उन लोगों को बैन लगाया गया था? तो वो था आपका, और वो सब क्या लिए थे दोस्तों? तो मैराडोना, बेन जॉनसन, वो सब नेड्रोलोन का सेवन किए थे। किसका सेवन किए थे? नेड्रोलोन का। दोस्तों, यहाँ पे नेड्रोलोन ऑप्शन नहीं टाइपिंग हुआ है, यहाँ पे आपका कोई भी ऑप्शन राइट नहीं होगा। वो सब यूज किए थे नेड्रोलोन, यानी कि नेड्रोलोन यानी कि वो एनाबोलिक स्टेरॉइड्स के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? एनाबोलिक स्टेरॉइड्स के अंतर्गत नेड्रोलोन आता है। तो यहाँ पे नेड्रोलोन ऑप्शन में दिया ही नहीं है दोस्तों, इसलिए यहाँ कोई भी ऑप्शन राइट नहीं होगा। ठीक है,
कोई भी ऑप्शन यहाँ पे राइट नहीं होगा। तो ऑप्शन क्या राइट होगा? नेड्रोलोन होगा। क्या होगा? नेड्रोलोन राइट आंसर होगा। नेड्रोलोन आता किसके अंतर्गत आता है? एनाबोलिक स्टेरॉइड्स के अंतर्गत नेड्रोलोन आता है। एनाबोलिक स्टेरॉइड्स क्या होता है? खेल की दुनिया में सबसे अधिक प्रयोग होता है डोपिंग के रूप में, और यह पेशीय ताकत को, शक्ति को बढ़ा देता है। एंड क्वेश्चन नंबर 4 है, डोपिंग के अंतर्गत मूत्र के नमूनों में कैफीन की मात्रा कितने यूजी प्रति एमएल से अधिक होना चाहिए? अंडर डोपिंग द अमाउंट ऑफ कैफीन इन द यूरिन सैंपल शुड बी मोर देन हाउ मैनी यूजी पर एमएल। तो ये है आपका जो कैफीन होता है किसके अंतर्गत आता है? उत्तेजक यानी स्टिमुलेंट्स के अंतर्गत आता है। स्टिमुलेंट्स के अंतर्गत आता है आपका एम्फेटामाइन, कोकीन, कैफीन, एफेड्रिन, बीटा एगोनिस्ट, मिथाइल एग्जामिनाइन। तो जो कोकीन होता है वह विश्व का सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध उत्तेजक है, जो चाय, कॉफ़ी, कोला ड्रिंक्स, अन्य कोल्ड मेडिसिन, डाइट से रिलेटेड दवाइयों में आता है। तो यह जो है यदि यूरिन में इसकी मात्रा 12 यूजी प्रति एमएल से अधिक आता है तो वह डोपिंग के में बैन यानी कि डोपिंग के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 12 यूजी प्रति एमएल से अधिक होने पर यह डोपिंग के अंतर्गत बैन माना जाएगा। एंड क्वेश्चन नंबर 5 है, एनाबोलिक स्टेरॉइड्स का पुरुष के किस हार्मोन से संबंध है? तो एनाबोलिक स्टेरॉइड्स आर रिलेटेड टू विच मेल हार्मोन? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, एनाबोलिक स्टेरॉइड्स जो है दुनिया का सबसे अधिक डोपिंग के रूप में प्रयोग करने वाला होने वाला सप्लीमेंट है। एनाबोलिक स्टेरॉइड्स जो है इसको शॉर्ट में AAS बोला जाता है। क्या बोला जाता है? AAS बोला जाता है, जिसका फुल फॉर्म होता है एंड्रोजेनिक एनाबोलिक स्टेरॉइड। एंड्रोजेनिक का अर्थ होता है पौरुष तत्व यानी मस्क्यूलिनजिंग, एनाबोलिक का अर्थ होता है टिश्यू बिल्डिंग यानी ऊतकों का निर्माण। यह जो है पेशियों की ताकत व सहनशीलता में वृद्धि कर देती है और मानसिक रूप से व्यक्ति अपने आप को मजबूत समझने लगता है। अगर इस एनाबोलिक स्टेरॉइड को महिलाएं यूज करती हैं तो पौरुष वाले गुण जो है जैसे कि आवाज भारी, दाढ़ी मूछ आदि के लक्षण उसमें दिखाई देने लगते हैं, तो ये याद रखिएगा। एंड क्वेश्चन नंबर 6 है, पुरुष तथा महिला के डोपिंग में सम्मिलित होने के काल के पश्चात डोपिंग छोड़ने पर किस हार्मोन्स का स्तर नीचे गिर जाता है? तो द लेवल ऑफ विच हार्मोन गोज डाउन व्हेन ए मैन और वुमेन क्यूट डोपिंग आफ्टर द पीरियड ऑफ इन्वॉल्वमेंट इन डोपिंग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टेस्टोस्टेरोन की जो लेवल होता है वो नीचे गिर जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, डोपिंग के अंतर्गत EPO से क्या तात्पर्य है? EPO यानी कि इसको हम बोलते हैं, फुल फॉर्म है एरिथ्रोपोएटिन। क्या बोलते हैं? EPO यानी एरिथ्रोपोएटिन। ये क्या होता है दोस्तों? एरिथ्रोपोएटिन जो होता है ये RBC से रिलेटेड है। EPO यानी एरिथ्रोपोएटिन, इसको ग्लूकोप्रोटीन भी बोला जाता है, और इसकी उत्पादन जो होता है किरणी से होता है। मुख्य कार्य जो है RBC के उत्पादन को यह बढ़ा देता है, यानी कि यह EPO एक साइटोकिन होता है जो क्या करता है कि RBC के लिए जो बोन मैरो होता है हड्डियों में, लंबी अस्थियों में, उसमें जो है बोन मैरो को सेल्स को उत्तेजित करता है, जिससे बोन मैरो में ही तो रक्त का निर्माण होता है, जिसमें ये बोन मैरो को उत्तेजित करता है एरिथ्रोपोएटिन, जहाँ से रक्त का उत्पादन यानी RBC का उत्पादन बढ़ जाता है।
और आरबीसी बढ़ेगा तो हीमोग्लोबिन आरबीसी में ही रहता है, रेड ब्लड सेल्स में ही रहता है। तो रेड ब्लड सेल्स में जब हीमोग्लोबिन आरबीसी बढ़ेगा तो हीमोग्लोबिन भी बढ़ेगा, और जब हीमोग्लोबिन बढ़ेगा तो ज़्यादा ऑक्सीजन लेके हमारे शरीर की कोशिकाओं तक जाएगा, ज़्यादा ऑक्सीजन लेके जाएगा तो ज़्यादा ऊर्जा बनेगा, तो हम ज़्यादा समय तक बिना थके काम कर लेंगे। तो यानी सहनशीलता को बढ़ाती है, ऑक्सीजन के ग्रहण करने की क्षमता को बढ़ाती है, ठीक है। एंड क्वेश्चन नंबर 8 है, एथ्रोपोएटिन नामक पदार्थ शरीर में किसी के उत्पादन की मात्रा बढ़ा देता है। तो यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है, यानी एथ्रोपोएटिन नामक पदार्थ शरीर में किसकी उत्पादन की क्षमता को बढ़ा देता है, तो अभी जस्ट मैं एक्सप्लेन की हूँ, ठीक है। तो इंक्रीज द प्रोडक्शन, यानी कि ए सब्सटेंसेस कॉल एथ्रोपोएटिन इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ विच इन द बॉडी। तो बॉडी में किस चीज को उत्पादन को एथ्रोपोएटिन बढ़ा देती है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा लाल रक्त कोशिकाएं यानी आरबीसी के उत्पादन को बढ़ा देती है। एंड दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है, हाइपोक्सिया से क्या तात्पर्य है। दोस्तों हाइपोक्सिया से तात्पर्य होता है ऑक्सीजन की कमी होना। हाइपो शब्द का ही मतलब होता है कम, और हाइपर शब्द का होता है ज़्यादा। तो हाइपो शब्द लगा हो तो ऑप्शन में देखिएगा कहाँ कमी शब्द लिखा है, अगर आपको नहीं आता होगा तो ऐसे करके आंसर दीजिएगा, ठीक है। एंड क्वेश्चन नंबर 10 है कि हाइपोग्लाइसीमिया से क्या तात्पर्य है। तो हाइपो शब्द यहाँ पे लगा है, हाइपो मतलब कमी होना, हाइपोग्लाइसीमिया से तात्पर्य होता है व्हाट इज मेंट बाय हाइपोग्लाइसीमिया। तो हाइपोग्लाइसीमिया का तात्पर्य होता है डिक्रीज इन शुगर लेवल इन ब्लड, ठीक है, डिक्रीज इन शुगर लेवल इन ब्लड, यानी कि रक्त में शुगर की मात्रा कम होना हाइपोग्लाइसीमिया कहलाता है। एंड हाइपरग्लाइसीमिया क्या होता है, रक्त में शुगर लेवल का बढ़ना हाइपरग्लाइसीमिया, और रक्त में शुगर लेवल का कम होना हाइपोग्लाइसीमिया, ठीक है। यानी कि जब इंसुलिन जो होता है, जो हमारे पैंक्रियाज के बीटा कोशिका से स्रावित होता है इंसुलिन हार्मोन, तो इंसुलिन हार्मोन जो है उपापचय क्रिया को मजबूत बनाता है, और इंसुलिन हार्मोन जो है ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है। तो जब हमारे शरीर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है तो ज़्यादा मात्रा में ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करने लगता है, तो ग्लूकोज की कमी हो जाती है यानी शुगर की कमी हो जाती है ब्लड में, तो उसको हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं। अगर कहीं ग्लूकोज की यानी इंसुलिन की हमारे शरीर में कमी हो जाएगी तो कम मात्रा में ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर पाएगा, अब कम मात्रा में ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में परिवर्तित करेगा तो क्या होगा, ग्लूकोज बढ़ जाएगा रक्त में। तो जब ग्लूकोज यानी शुगर रक्त में बढ़ेगा तो उसको हाइपरग्लाइसीमिया कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है, कैथेटराइजेशन नामक शब्द डोपिंग के अंतर्गत प्रतिबंधित विधियों से संबंधित है, इसमें क्या तात्पर्य है। यहाँ विधियों शब्द लिखा गया है दोस्तों, विधियों से रहेगा यहाँ पे। तो कैथेटराइजेशन क्या है, यह डोपिंग को छुपाने का छल साधन है। क्या है, छुपाने का एक छल साधन है। तो डोपिंग को छुपाने का छल साधन में क्या क्या होता है, तो उसको छल साधन के अंतर्गत जो है यूरिन के नमूने को विकृत कर दिया जाता है, और दूसरा साधन होता है अंतःशिरा सम्मिश्रण, यानी किसी रासायनिक पदार्थ का रक्त के साथ मिश्रण करना होता है सिराओं में। तो जो यूरिन के विकृति को यूरिन के नमूनों को विकृत कर देने में दो विधियाँ आती हैं, एक कैथेटराइजेशन और दूसरा होता है आपका स्वैपिंग। तो कैथेटराइजेशन जो होता है इसमें क्या होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा एक विशेष नली द्वारा यूरिन के ब्लेडर से यूरिन को बाहर निकालना ही कहा जाता है कैथेटराइजेशन, ठीक है। और दूसरा विधि होता है स्वैपिंग, यानी कि यूरिन के नमूने को ही बदल देना स्वैपिंग कहलाता है। एंड क्वेश्चन नंबर 12 है, बीटा ब्लॉकर्स को डोपिंग के रूप में क्यों प्रतिबंधित किया गया है, व्हाई आर बीटा ब्लॉकर्स बैंड एज डोपिंग। तो दोस्तों बीटा ब्लॉकर्स जो है इन स्पेशल स्पोर्ट्स में बैंड है, पहले एल्कोहल एंड बीटा ब्लॉकर्स दोनों था, बट अब एल्कोहल को हटा दिया गया है, ठीक है। तो बीटा ब्लॉकर्स क्या करता है, रक्तदाब, हृदय दर,
को सामान्य बनाए रखता है, जिसे शरीर में कंपन बंद हो जाता है, तो एकाग्रता वाले खेलों जैसे कि तीरंदाजी यानी निशानेबाजी, शूटिंग एंड गोल्फ आदि से रिलेटेड गेमों में, स्पेशल गेम्स में उपयोग किए जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, शरीर का कंपन बंद हो जाता है, द बॉडी स्टॉप जो वाइब्रेशन होता है वो कंपन होता है वो बंद हो जाता है, जिसे निशाना लगाने में आसानी होता है। तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतियोगिता से पहले भार से संबंधित खेलों जैसे बॉक्सिंग, कुश्ती, जूडो आदि में खिलाड़ी अपने भार को कम करने के लिए किस दवा का प्रयोग करता है, विच मेडिसिन डज ए प्लेयर यूज इन वेट रिलेटेड स्पोर्ट्स लाइक बॉक्सिंग, रेसलिंग, जूडो एटसेट्रा टू रिड्यूस हिज वेट बिफोर द कंपटीशन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डायुरेटिक्स। क्या हो जाएगा, भार से रिलेटेड जो भी बातें आएंगी तो डायुरेटिक्स हो जाएगा, ठीक है। इसमें क्या होता है, यूरिन के साथ बहुत सारा जो पानी होता है बाहर निकल जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लाज्मा एक्सपेंडर्स जो कि डोपिंग के अंतर्गत प्रतिबंधित है वह क्या कार्य करता है, व्हाट फंक्शन डू प्लाज्मा एक्सपेंडर्स विच आर बैंड अंडर डोपिंग परफॉर्म। तो जो प्लाज्मा एक्सपेंडर्स होता है वह क्या कार्य करता है, तो प्लाज्मा एक्सपेंडर्स जो होता है ये रक्त में प्लाज्मा के वॉल्यूम को बढ़ा देता है, रक्त के अंदर प्लाज्मा के वॉल्यूम को क्या करता है, प्लाज्मा एक्सपेंडर्स बढ़ा देता है, यानी कि रक्त में प्लाज्मा की मात्रा बढ़ाने के लिए प्रयोग किया जाता है। और औषधि विज्ञान में इसका प्रयोग, प्लाज्मा एक्सपेंडर्स का प्रयोग शरीर में पानी की मात्रा भरपाई करने के लिए भी होता है। एंड जो प्लाज्मा एक्सपेंडर्स होता है इसका प्रयोग एरिथ्रोपोएटिन यानी कि EPO के प्रभाव को छुपाने के लिए भी किया जाता है, ये याद रखिएगा। एंड क्वेश्चन नंबर 15 है दोस्तों, कि डोपिंग के अंतर्गत आने वाले श्रेणियों में कौन सा डोपिंग है जिससे यह पता लगाना मुश्किल है कि खिलाड़ी डोपिंग में सम्मिलित है या नहीं, विच डोपिंग कम्स अंडर द कैटेगरीज ड्यू टू विच इट इज डिफिकल्ट टू फाइंड आउट वेदर वर्दर ए प्लेयर इज इन्वॉल्व इन डोपिंग एयर और नॉट। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ब्लड डोपिंग। क्या होगा, ब्लड डोपिंग। ब्लड डोपिंग एक ऐसा विधि है जिसमें यह बताना मुश्किल हो जाता है कि वह खिलाड़ी जो है डोपिंग का उपयोग किया है कि नहीं किया है। तो जो ब्लड डोपिंग है यानी कि डोपिंग दो प्रकार से है, एक प्रदर्शन बढ़ाने वाले और एक शारीरिक गतिविधियां। तो शारीरिक गतिविधियों में दो प्रकार के होते हैं, एक ब्लड डोपिंग एक जीन डोपिंग। ब्लड डोपिंग दो प्रकार का होता है, ऑटोलोगस और होमोलोगस। ऑटोलोगस जो होता है वह स्वयं का रक्त खेल प्रतियोगिता के कुछ हफ्ते पहले खिलाड़ी को चढ़ा दिया जाता है, और होमोलोगस जो होता है वो दूसरे का रक्त जब रक्त दिया जाता है, यानी जब एक व्यक्ति के शरीर से ताज़ा रक्त लेकर सीधा दूसरे खिलाड़ी के शरीर में चढ़ा दिया जाता है तो वो होमोलोगस होता है। ब्लड डोपिंग विधि में जो है एक एरोबिक प्रकार के खेलों में प्रयोग होता है, सहनशीलता वाले जैसे लंबी दूरी की दौड़े, क्रॉस कंट्री, स्कीइंग, साइकिलिंग में ज़्यादा इस्तेमाल होता है। इसमें क्या होता है कि 4 से 8 सप्ताह पहले या 1 महीना पहले 2 यूनिट या रक्त को निकाल लिया जाता है, और उस रक्त में से RBC में को प्लाज्मा से अलग करके डीप फ्रीजर में रख दिया जाता है, और इस बीच खिलाड़ी जो है ट्रेनिंग अपना बरकरार रखता है और लगभग 24-30 घंटों में निकले हुए ब्लड की पुनः प्राप्ति करता है, और उस बीच वो आहार में आयरन विटामिन ज़्यादा लेता है जिससे रक्त कम हुए रक्त की भरपाई कर सके, और 2 महीने में वो पुनः बन जाते हैं। और कंपटीशन जब होता है उसके 2-4 दिन पहले, कंपटीशन के 2-4 दिन पहले उसे रक्त को जो निकाल कर रखा हुआ है RBC को प्लाज्मा से अलग करके डीप फ्रीजर में उसको इंजेक्ट कर लिया जाता है, शरीर में चढ़ा लिया जाता है, जिससे शरीर में RBC की मात्रा बढ़ जाती है। यही सी बात है, अब क्या होगा, एरोबिक क्षमता बढ़ जाएगी, सहनशीलता बढ़ेगी, ऑक्सीजन ग्रहण करने की क्षमता बढ़ जाएगी, ठीक है, हीमोग्लोबिन की मात्रा बढ़ जाएगी। एंड क्वेश्चन नंबर 16 है,
ब्लड डोपिंग करने से खिलाड़ी को अपने प्रदर्शन में सुधार करने के लिए किस चीज का फायदा होता है? तो अभी मैं जस्ट एक्सप्लेन की हूँ, व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ ब्लड डोपिंग टू एन एथलीट टू इम्प्रूव हिज परफॉर्मेंस। तो दोस्तों किसका फायदा होता है? आरबीसी की संख्या बढ़ती है, तो आरबीसी की संख्या बढ़ेगी तो आरबीसी में क्या होता है? हीमोग्लोबिन होता है, तो हीमोग्लोबिन की मात्रा बढ़ जाएगी। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 है, डोपिंग का पहला उदाहरण 1960 रोम ओलंपिक में पाया गया था, जो आप सबको पता है। वो किस खेल से संबंधित था वो खिलाड़ी जो डोपिंग का पहला केस पाया गया था? तो द फर्स्ट इंस्टेंस ऑफ डोपिंग फाउंड इन द 1960 रोम ओलंपिक्स वाज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स। तो किस स्पोर्ट्स से रिलेटेड था वह खिलाड़ी? तो उस खिलाड़ी का नाम था गुनर, उस खिलाड़ी का क्या नाम था? न्यूड एनमार्क जॉनसन। क्या नाम था? न्यूड एनमार्क जॉनसन, जो डेनमार्क का एक रोड साइकिलिस्ट था। ठीक है, तो किससे खेल से रिलेटेड था? साइकिलिंग से। ठीक है, तो साइकिलिंग ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18 है कि डोप टेस्ट प्रथम बार किस ओलंपिक में हुआ था? तो डोप टेस्ट वाज कंडक्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन विच ओलंपिक्स। तो 1968 के मेक्सिको सिटी ओलंपिक में पहली बार डोप टेस्ट हुआ, जिसमें स्वीडन के पेंटाथलीट गुनर लिलिंजेवाल पॉजिटिव पाए गए थे। एंड क्वेश्चन नंबर 19 है दोस्तों कि वाडा का फुल फॉर्म क्या है? तो वाडा जो है, जो वर्ल्ड लेवल पर डोपिंग को कंट्रोल करती है, तो वाडा का फुल फॉर्म है वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, जिसकी स्थापना 10 नवंबर 1999 में स्विट्जरलैंड के लुसियन शहर में हुआ था, जिसका मुख्यालय जो है कनाडा मॉन्ट्रियल शहर में है, और वर्तमान अध्यक्ष हैं बिटोल्ड बांका। एंड क्वेश्चन नंबर 12 है, वाडा का गठन कब हुआ था? तो अभी जस्ट बताई हूँ, वाडा का गठन जो है 10 नवंबर 1999 को हुआ। एंड क्वेश्चन नंबर 12 है, क्वेश्चन नंबर 21 है दोस्तों कि वाडा का मुख्यालय कहाँ है? अभी जस्ट बताई हूँ, वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ वाडा? तो वाडा का मुख्यालय कनाडा के मॉन्ट्रियल शहर में है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी कनाडा राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है दोस्तों, नाडा का फुल फॉर्म क्या है? तो जो नेशनल लेवल पे है भारत में, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ नाडा? तो नाडा का फुल फॉर्म है नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, यानी नाडा जो है नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी की स्थापना 24 नवंबर 2005 में जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम नई दिल्ली में किया गया। इसका मुख्यालय नई दिल्ली जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम है, और इसका मोटो है प्ले फेयर, एंड इसका चेयरमैन जो है मिनिस्टर ऑफ स्पोर्ट्स इंडिया होता है, एंड वर्तमान में डायरेक्टर जनरल यानी कि महानिदेशक हैं सिद्धार्थ सिंह लोकजाम। क्वेश्चन नंबर 23 है, नाडा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो व्हाट इज द हेडक्वार्टर ऑफ नाडा? तो दोस्तों नाडा का जो मुख्यालय है जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम नई दिल्ली में स्थित है। एंड क्वेश्चन नंबर 24 है, नाडा का गठन कब हुआ? तो अभी जस्ट बताई हूँ, नाडा का गठन 24 नवंबर 2005 को किया गया था। एंड क्वेश्चन नंबर 25 है, नई दिल्ली जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में डोप टेस्ट सेंटर कब स्थापित किया गया था? वेयर वॉज द डोप टेस्ट सेंटर इस्टेब्लिश्ड एट जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम इन न्यू दिल्ली? तो इसका राइट आंसर है 1990 में। एंड क्वेश्चन नंबर 26 है, डोप टेस्टिंग में किसका सैंपल लिया जाता है? व्हिच सैंपल इज टेकन इन डोप टेस्टिंग? तो यूरिन एंड ब्लड का लिया जाता है, दोनों का, यानी कि यूरिन जब सक्सेस नहीं होता है तब ब्लड का लिया जाता है, तो इसलिए आंसर सही हो जाएगा यूरिन का, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 27 है,
AAS का फुल फॉर्म क्या है? तो दोस्तों, जो एनाबॉलिक स्टेरॉयड होता है उसका साठ में उसको AAS बोला जाता है, जिसका फुल फॉर्म होता है एंड्रोजेनिक एनाबॉलिक स्टेरॉयड। एंड्रोजेनिक एनाबॉलिक स्टेरॉयड, एंड्रोजेनिक से तात्पर्य होता है पुरुष तत्व, ठीक है। एंड्रोजेनिक से तात्पर्य होता है पुरुष तत्व, एंड्रोजेनिक से तात्पर्य होता है पुरुष तत्व यानी मस्कुलाइजिंग, और एनाबोलिक से तात्पर्य होता है टिश्यू बिल्डिंग यानी उत्तकों का निर्माण। इसका सीधा प्रभाव पेशियों पर पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 28 है, वाडा का वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो दोस्तों, हु इज द करेंट प्रेसिडेंट ऑफ वाडा? तो बिटोल्ड बांका है वर्तमान अध्यक्ष। क्वेश्चन नंबर 29 है, नाडा का डायरेक्टर जनरल कौन है? तो हु इज द डायरेक्टर जनरल ऑफ नाडा? तो नाडा का वर्तमान डायरेक्टर जनरल है सिद्धार्थ सिंह लोकजाम। दोस्तों, यहाँ पे छठ का मौसम चल रहा है, यहाँ पे हल्ला हो रहा है, तो इस पे माइंड मत कीजिएगा। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 30 है, वैज्ञानिक रूप से उन साधनों को क्या कहते हैं जिसकी प्रयोग से खिलाड़ी अपने प्रदर्शन में सुधार लाता है? व्हाट आर दोज मीन्स सिग्निफिकेंटली कॉल्ड विद द यूज ऑफ विच ए प्लेयर इम्प्रूव हिज परफॉर्मेंस? तो दोस्तों, वैज्ञानिक रूप से अभी जो मैंने जस्ट शुरुआत में ही बताई थी, जब गलत साधनों का प्रयोग बात करेगा तो डोपिंग रहेगा, जब वैज्ञानिक रूप से साधन का प्रयोग करके खिलाड़ी अपने परफॉर्मेंस को बढ़ाता है तो वो एर्गोजेनिक एड्स के अंतर्गत आएगा, जिसमें आपके पोषण साधन जैसे कार्बोहाइड्रेट लोडिंग एंड विटामिन्स एंड जैसे कि मनोवैज्ञानिक पांच प्रकार के होते हैं, जैसा कि इसके बारे में आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो वीडियो देखिए, ठीक है। यानी कि जैसे कि पोषण साधन न्यूट्रिशनल एड, इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट लोडिंग, प्रोटीन्स, विटामिन्स, खनिज लवण, सोडियम बाइकार्बोनेट, डायट्री सप्लीमेंट्स आते हैं। एंड फिजियोलॉजिकल एड्स में जैसे कि आप किसका किसका प्रयोग करेंगे, जैसे ऊंचाई पर प्रशिक्षण, ब्लड डोपिंग, हर्बल दवाइयाँ, फिजियोथेरेपी, सोना बाथ, वार्म अप, एक्यूपंचर, और जो मनोवैज्ञानिक साध हैं यानी कि साइकोलॉजिकल एड्स हैं उसके अंतर्गत उसको मतलब कि मन को उत्साहित करना, जैसे कि एड्स में प्रदर्शन करने बढ़ाने वाले प्रतिभागी चीयर्स करते हैं, तालियां बजाते हैं, हिप्नोसिस, सलाह देना, रिहर्सल, ये सभी आएंगे। और यांत्रिकी साधन यानी कि मैकेनिकल एड्स में जैसे कि स्पोर्ट्स शूज कैसा है एंड रनिंग शूज कैसा है, पैरासूट कैसा है, हाई एल्टीट्यूड प्रशिक्षण, ये सभी आएंगे। एंड औषधि साध में फार्माकोलॉजिकल एड्स में एम्फेटामाइन, एनाबोलिक स्टेरॉयड, बीटा ब्लॉकर, कैफीन, प्रोटीन सप्लीमेंट, ये सभी आएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 31 है, एम्फेटामाइन क्या है? व्हाट इज एम्फेटामाइन? तो दोस्तों, एम्फेटामाइन जो है एक प्रकार का उत्तेजक है। क्या है? उत्तेजक है, स्टिमुलेटिंग है, स्टिमुलेट है, ठीक है। एम्फेटामाइन एक प्रकार का उत्तेजक है, यानी कि ये हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को उत्तेजित करता है। एम्फेटामाइन इसको साइकोमोटर स्टिमुलेंट्स, सिंपैथोमिमेटिक भी बोला जाता है। और एम्फेटामाइन के अंतर्गत आते हैं, एम्फेटामाइन जो है उत्तेजक के अंतर्गत आता है, और उत्तेजक यानी स्टिमुलेंट्स के अंतर्गत क्या क्या आता है? एम्फेटामाइन, कोकीन, कैफीन, एफेड्रिन, बीटा एगोनिस्ट आदि आते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है, उत्तेजक के अंतर्गत निम्न से कौन आता है? विचित्र क्वेश्चन आ गया। विच ऑफ द फॉलोइंग कम्स अंडर स्टिमुलेंट? तो उत्तेजक के अंतर्गत एम्फेटामाइन, कैफीन, कोकीन, ये सभी पदार्थ आते हैं, उपरोक्त सभी यहाँ पे राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, निम्न में से किस एर्गोजेनिक दवा, कौन सा इसमें एर्गोजेनिक दवा नहीं माना जाता? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडरेड एन एर्गोजेनिक मेडिसिन? तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, नार्कोटिक्स को एर्गोजेनिक एड्स नहीं माना जाता, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, हीरोइन किसके अंतर्गत आता है? तो दोस्तों, जो नार्कोटिक्स होता है दर्द को कम करने का काम करता है, तो नार्कोटिक्स के अंतर्गत आता है हीरोइन। किसके अंतर्गत आता है? हीरोइन जो है नार्कोटिक्स के अंतर्गत आता है।
एंड क्वेश्चन नंबर 35 है, नारकोटिक्स के अंतर्गत कौन से रसायन आते हैं, विच केमिकल्स कम अंडर नारकोटिक्स। तो हेरोइन, मॉर्फिन, एफेड्रीन, एल्फाप्रोडाइन, एनिलेडाइन, ये सभी क्या आते हैं नशीली दवाई या नारकोटिक्स के अंतर्गत। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, ए एंड बी। तो नारकोटिक्स के अंतर्गत मॉर्फिन, हीरोइन, पैथिडीन, एल्फाप्रोडाइन, एनिलेडाइन आता है। यानी नारकोटिक्स जो है पापी नामक पौधों से निकले हुए ओपियम यानी कि अफीम से तैयार किया जाता है और यह सबसे ज़्यादा दर्द निवारक प्रभाव होता है। इसको पेन किलिंग इफेक्ट भी होता है और इसको करियर एडिंग इंजरी भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि खिलाड़ी को पता ही नहीं रहता, उस दर्द होता ही नहीं है तो आवश्यकता से अधिक भार उठा लेता है जिससे जो पेशियां होती हैं टूट जाती हैं, ठीक है। और इसी को लेने से 1963 में बाल्टीमोर कोर्स की मृत्यु हो गई थी। एंड क्वेश्चन नंबर 36 है, डोपिंग के अंतर्गत आने वाले किस पदार्थ को कैरियर एडिंग इंजरी कहा जाता है। क्वेश्चन आ गया आपके सामने, विच सब्सटेंसेस अंडर डोपिंग इज कॉल्ड कैरियर एडिंग इंजरी। इसका राइट आंसर होगा नारकोटिक्स। क्वेश्चन नंबर 37 है, एंड्रोजेनिक एनाबोलिक स्टेरॉइड्स की तुलना पुरुष के किस हार्मोन से की जाती है। तो इसका राइट आंसर होगा टेस्टोस्टेरोन। एंड क्वेश्चन नंबर 38 है, एंड्रोजेनिक का क्या तात्पर्य है। दोस्तों एनाबोलिक स्टेरॉइड्स को शॉर्ट में AAS बोला जाता है। क्या बोला जाता है? AAS बोला जाता है। इसका फुल फॉर्म होगा एंड्रोजेनिक एनाबोलिक स्टेरॉइड। तो एंड्रोजेनिक से तात्पर्य होता है पौरुष तत्व यानी मस्क्यूलिनजिंग। क्या होता है? द मस्क्यूलिनजिंग एलिमेंट्स यानी मस्क्यूलिनजिंग यानी कि पौरुष तत्व एंड्रोजेनिक का। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एनाबोलिक का क्या तात्पर्य है। एंड्रोजेनिक का तात्पर्य तो मस्क्यूलिनजिंग यानी पौरुष तत्व हुआ, बट एनाबोलिक का तात्पर्य क्या होगा। तो यह राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, टिश्यू बिल्डिंग। क्या होगा? टिश्यू बिल्डिंग। क्वेश्चन नंबर 40 है, नेड्रोलोन, स्टेनेजोल, टेस्टोस्टेरोन आदि रसायन किसके अंतर्गत आते हैं। तो ये सभी आते हैं दोस्तों एनाबोलिक स्टेरॉइड्स के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? एनाबोलिक स्टेरॉइड्स के अंतर्गत आते हैं नेड्रोलोन, स्टेनेजोल, टेस्टोस्टेरोन। एंड ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा किसके अंतर्गत क्या आता है। आजकल ऐसा सवाल ज्यादा पूछ रहा है। एंड ये डायरेक्ट रूप से पेशियों को प्रभाव डालती है, पेशियों की ताकत को बढ़ाती है। और महिलाएं इसका यूज करती हैं तो पुरुष वाले गुण आ जाते हैं, दाढ़ी मूंछ, आवाज, ये सब भारी हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है कि एक सामान्य पुरुष में नेड्रोलोन की मात्रा यूरिन में कितनी होती है। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ नेड्रोलोन इन द यूरिन ऑफ ए नॉर्मल मैन। तो दोस्तों जो नेड्रोलोन होता है ये टेस्टोस्टेरोन का रासायनिक रूप से सौतेला भाई होता है। एक साधारण व्यक्ति में 0.6 नैनोग्राम प्रति एमएल होता है। कितना होता है साधारण व्यक्ति में? एक सामान्य पुरुष में या नॉर्मल व्यक्ति में 0.6 नैनोग्राम प्रति एमएल ऑफ यूरिन होता है, ठीक है। एंड क्वेश्चन नंबर 42 है कि IOC यानी कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने महिलाओं और पुरुषों के लिए नेड्रोलोन का कट ऑफ लेवल क्या निर्धारित किया है जो डोपिंग के अंतर्गत आएंगे। व्हाट इज द कट ऑफ लेवल ऑफ नेड्रोलोन फॉर वुमेन एंड मेन सेट बाय IOC। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी पुरुषों के लिए 2 नैनोग्राम प्रति एमएल और महिलाओं में 5 नैनोग्राम प्रति एमएल से ज्यादा होगा तो वो डोपिंग के अंतर्गत आएगा, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 43 है, महिला खिलाड़ी अपने मासिक धर्म को खेल के दिन ना हो उससे पहले हो जाए उसके लिए किस ड्रग्स का प्रयोग करते हैं। तो इसको मैं पहले भी बता चुकी हूँ, ड्यूरेटिक्स का प्रयोग। और ड्यूरेटिक्स का प्रयोग क्या होता है? भार को कम करने के लिए। और किसका किस लिए प्रयोग होता है? डोपिंग को छुपाने के लिए। एंड क्वेश्चन नंबर 44 है, ब्यूमेटानाइड, क्लोरथाइडोन, ट्राइमेटेरिन आदि रसायन किसके अंतर्गत आते हैं। तो ये सभी आते हैं किसके अंतर्गत? तो ये सभी आते हैं आपके ड्यूरेटिक्स के अंतर्गत। किसके अंतर्गत आते हैं? ड्यूरेटिक्स के अंतर्गत। राइट आंसर होगा सी। एंड क्वेश्चन नंबर
45 है, इनमें से कौन सा सिर्फ पुरुषों के लिए बैन है? तो दोस्तों, व्हाट इज द फॉलोइंग इज रेस्ट्रिक्टेड टू मेन ओनली, ओनली मेन के लिए, पुरुषों के लिए कौन बैन है इसमें? तो इसमें राइट आंसर होगा केवल पुरुषों के लिए बैन कौन है, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों केवल पुरुषों के लिए बैन आपका हो जाएगा राइट आंसर कोरियोनी गोनाडोट्रोफिक। क्या हो जाएगा? कोरियोनी गोनाडोट्रोफिक, ठीक है। तो यहां पे ध्यान दीजिएगा, कोरियोनी गोनाडोट्रोफिक जो है ओनली पुरुषों के लिए बैन है। क्वेश्चन नंबर 46 है, कौन सा प्रतिबंधित रसायन बोन मैरो के स्टेम कोशिका को आरबीसी बनाने के लिए उत्तेजित करता है? विच बैंड केमिकल स्टिमुलेंट्स द स्टेम सेल्स ऑफ बोन मैरो टू प्रोड्यूस आरबीसी? तो आरबीसी को प्रोड्यूस करने के उत्प्रेरित करती है बोन मैरो में कौन होता है? वह एथोपोएटिन यानी कि ईपीओ, जिसके बारे में मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। यह आरबीसी को बढ़ा देती है शरीर में, जिससे हीमोग्लोबिन भी बढ़ जाता है, जिससे हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन ज्यादा मात्रा में कोशिकाओं को पहुंचाती है, जिससे ज्यादा ऊर्जा उत्पन्न होता है और सहनशीलता वाले खेलों में प्रयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 47 है, निम्न से सहनशीलता को सहनशीलता वाले धावक किसका प्रयोग करते हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड बाय एंड्योरेंस स्पोर्ट्स रनर? तो किसका यूज करते हैं एंड्योरेंस वाले? तो एरिथ्रोपोएटिन का। किसका? एरिथ्रोपोएटिन का यूज करते हैं, एरिथ्रोपोएटिन का यूज करते हैं एंड्योरेंस वाले खिलाड़ी, ठीक है। एंड क्वेश्चन नंबर 48 है, कौन सा रसायन लाल रक्त कणिकाओं के उत्पादन की दर को बढ़ा देता है? विच केमिकल्स इंक्रीज द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल्स? तो राइट आंसर हो जाएगा ईपीओ यानी कि एरिथ्रोपोएटिन जो है आरबीसी यानी कि लाल रक्त कणिकाओं के उत्पादन की दर को क्या करता है? बढ़ा देता है। क्वेश्चन नंबर 49 है कि टूर द फ्रांस साइकिलिंग रेस 2009 में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाला धावक का पादक किस प्रतिबंधित दवाई के सेवन की वजह से वापस ले लिया गया था? तो वह लिया गया था किसके सेवन से? तो एरिथ्रोपोएटिन लेने के कारण उसका जो पदक था वापस ले लिया गया था टूर द फ्रांस का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50 है, बॉडी बिल्डर मांसपेशी की वृद्धि के लिए कौन सा पदार्थ सेवन करता है जो प्रतिबंधित है? विच सब्सटेंसेस यूज बाई बॉडी बिल्डर्स फॉर मसल्स ग्रोथ इज बैंड? तो वह यूज करता है इंसुलिन का, जो एनाबोलिक स्टेरॉइड के समान जो है प्रभाव छोड़ता है। एंड क्वेश्चन नंबर 51 है कि एक खिलाड़ी द्वारा प्रतियोगिता से लगभग एक महीना पहले एक या दो यूनिट रक्त स्टोर करने के पश्चात उसी रक्त को प्रतियोगिता से एक या दो दिन पहले पुनः शरीर में इंजेक्ट कर लेता है, इस विधि को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों, इस विधि को कहा जाता है ब्लड डोपिंग, और ये होमोलोगस, ये ऑटोलोगस के अंतर्गत आता है यानी कि स्वयं का रक्त। ब्लड डोपिंग दो प्रकार का होता है, ऑटोलोगस और होमोलोगस, ये ऑटोलोगस के अंतर्गत आएगा। क्वेश्चन नंबर 52 है, ब्लड डोपिंग द्वारा रक्त में किसकी मात्रा बढ़ जाती है? द क्वांटिटी ऑफ यूज विच इन द ब्लड इंक्रीजेज बाई ब्लड डोपिंग? तो दोस्तों, ब्लड डोपिंग से रक्त में किसकी मात्रा बढ़ जाती है? तो हीमोग्लोबिन की। किसकी? हीमोग्लोबिन की। हीमोग्लोबिन नहीं दिया रहेगा तो आरबीसी सही रहेगा, आरबीसी नहीं दिया रहेगा तो हीमोग्लोबिन सही रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 53 है, खिलाड़ी द्वारा यूरिन थैली से खास ट्यूब द्वारा यूरिन को बाहर निकालने की प्रक्रिया, जिससे कि डोप टेस्ट के लिए यूरिन का नमूना ना मिले, यह विधि क्या कहलाती है? तो दोस्तों, यह विधि कहलाती है कैथेटराइजेशन। क्या कहलाती है? कैथेटराइजेशन यानी छल साधन, यानी कि डोपिंग के छुपाने के साधन में आती है, जो है यूरिन के नमूने को विकृत कर देना और जो है सिराओं में किसी रासायनिक पदार्थ का रक्त के साथ मिश्रण करना, छल साधन में आते हैं, तो इसका होगा कैथेटराइजेशन। क्वेश्चन नंबर 54 है कि खिलाड़ी द्वारा डोप टेस्ट से पहले यूरिन के नमूने को बदल देना क्या कहलाता है? तो
तो एक टीवी द्वारा बाहर निकालने को कैथेटराइजेशन कहते हैं और उसके नमूने को बदल देना उसको स्वैपिंग या एडल्ट्रेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? स्वैपिंग या एडल्ट्रेशन। क्वेश्चन नंबर 55 है कि उस रासायनिक पदार्थ को क्या कहते हैं जिसके सेवन से रक्तदाब तथा स्ट्रोक वॉल्यूम कम हो जाता है। व्हाट इज द केमिकल कॉल्ड इज कंजप्शन रिड्यूस ब्लड प्रेशर एंड स्ट्रोक वॉल्यूम। तो इसका राइट आंसर होगा बीटा ब्लॉकर्स, जिसको हमारा हार्ट रेट और जो हमारा कंपन होता है वह मतलब बंद हो जाता है, जिससे जो निशाना वाले एकाग्रता वाले खेल हैं जैसे कि निशानेबाजी, तीरंदाजी एंड गोल्फ, इसमें यूज होता है। क्वेश्चन नंबर 56 है कि दो परीक्षण के लिए यूरिन के नमूनों को किस विधि द्वारा परीक्षण किया जाता है। तो इस दो परीक्षण में यूरिन के नमूनों को परीक्षण करने के लिए दो विधियां हैं, गैस क्रोमेटोग्राफी एंड मास स्पेक्ट्रोमेट्री तकनीक के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 57 है एनाबोलिक स्टेरॉयड सीधे असर डालती है। तो दोस्तों एनाबोलिक स्टेरॉयड किस पे सीधे असर डालती है, तो मैं बता चुकी हूँ यह सीधे असर डालती है मांसपेशी पर, ठीक है, डायरेक्ट इफेक्ट करता है मसल्स को। एनाबोलिक स्टेरॉयड डायरेक्ट इफेक्ट करता है हमारे मसल्स को, सबसे ज़्यादा असर करता है, यह डोपिंग के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाने वाला पदार्थ है एनाबोलिक स्टेरॉयड, ठीक है। एंड क्वेश्चन नंबर 58 है दोस्तों कि इनमें से किसके सेवन से केंद्रीय तंत्रिका तंत्र उत्तेजित होता है। कंजप्शन ऑफ विच द फॉलोइंग स्टिमुलेट्स द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो दोस्तों जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है CNS है, उसको कौन उत्तेजित करता है, तो वह होता है आपका एम्फेटामाइन। क्या राइट आंसर हो जाएगा? एम्फेटामाइन, ठीक है। एम्फेटामाइन जो स्टिमुलेंट्स के उत्तेजक के अंतर्गत आता है, जो हमारे CNS यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम को क्या करता है, उत्तेजित करता है। CNS यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम को क्या करता है, उत्तेजित करता है। क्वेश्चन नंबर 59 है दोस्तों कि विश्व की सबसे लोकप्रिय उत्तेजक औषधि जो चाय, कॉफी, शीतल पेय, आहार की गोलियों आदि में पाया जाता है वह क्या है। तो वह है दोस्तों द वर्ल्ड मोस्ट पॉपुलर स्टिमुलेंट ड्रिंक विच आर फाउंड इन टी, कॉफी, सॉफ्ट ड्रिंक्स, डाइट पिल्स एटसेट्रा एज। तो ये है आपका कैफीन। क्या है? कैफीन। कैफीन ऐसा पदार्थ है, स्टिमुलेंट्स है, उत्तेजक पदार्थ है जो विश्व का सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध उत्तेजक है, जो चाय, कॉफ़ी, कोला ड्रिंक्स, अन्य उत्पाद जैसे कोल्ड मेडिसिन, डाइट से संबंधित दवाइयों में पाया जाता है। और यूरिन में अगर टेस्ट के द्वारा 12 UG प्रति ML से ज़्यादा पाया जाएगा तो वो डोपिंग के अंतर्गत प्रतिबंधित पाया जाता है। एंड क्वेश्चन नंबर 60 है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा निम्न में से किस पर ड्रग पर प्रतिबंध नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स इज नॉट बैंड बाय द इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी। तो किस कौन नहीं बैंड है दोस्तों, बैंड नहीं है। तो इसमें कोकीन भी है, मैराजुआना यानी कि गांजा भी है, यहाँ पे एफिड्रीन भी है जो स्टिमुलेंट्स के अंतर्गत आता है, जबकि शराब यानी कि जो एल्कोहल है यह बैंड नहीं है। यानी कि क्वेश्चन है कि IOC द्वारा कौन बैंड लिस्ट में नहीं है, तो शराब को हटा दिया गया है। पहले शराब था एकाग्रता वाले खेलों में। शराब जो है एक प्रकार का हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम को अवसाद यानी धीमी कर देता है, अवसादक है, उत्तेजक नहीं है। उत्तेजक आपका स्टिमुलेंट्स है जिसमें कोकीन, कैफीन, एफेड्रीन, एम्फेटामाइंस, ये सब CNS को उत्तेजित करते हैं, जबकि शराब जो है CNS को सेंट्रल नर्वस सिस्टम को शिथिल करता है। क्वेश्चन नंबर 61 है शराब एक प्रकार का है, व्हाट इज ए टाइप ऑफ एल्कोहल। तो एल्कोहल एक प्रकार का क्या है, CNS अवसादक है, याद रखिएगा, उत्तेजक कभी मत लगाइएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 62 है दोस्तों कि निम्न में से कौन सा खिलाड़ी डोपिंग का दोषी नहीं है। तो निम्न में से कौन सा खिलाड़ी डोपिंग का दोषी नहीं है, तो यहाँ पे आपका रिक रोमेंट है, वेन जॉनसन भी है, डिएगो मैराडोना भी है, जबकि कार्ल लुइस जो है डोपिंग का दोषी नहीं है। कार्ल लुइस जो है डोपिंग का दोषी नहीं है, इसके बारे में पूरी डिटेल में नहीं बता सकती इसमें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर
63 है खिलाड़ियों द्वारा प्रयोग किए गए नारकोटिक्स के विभिन्न प्रकार जो कि अफीम तथा पॉपी प्लांट से लिए जाते हैं वास्तव में उनके लिए किस रूप में कारगर सिद्ध होते हैं। तो दोस्तों यह दर्द विरोधी दवा के रूप में पेन किलिंग सप्लीमेंट के रूप में काम करते हैं जो खिलाड़ी के दर्द को कम कर देते हैं जिससे खिलाड़ी यह समझ नहीं पाता कि उसको कितना शरीर में पावर है उससे ज़्यादा भार उठा देता है और जिससे उसकी पेशियां टूट जाती हैं इसलिए इसको करियर एंडिंग इंजरी के अंतर्गत भी रखा जाता है जिसमें नशीली दवाएं नार्कोटिक्स के अंतर्गत मॉर्फिन हेरोइन पैथिडिन एल्फाप्रोडाइन एनिलोडाइन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इम्यून सिस्टम कार्यप्रणाली को विकसित करने के लिए तथा मसल्स ब्रेकडाउन को रोकने के लिए खिलाड़ी कौन सा सप्लीमेंट फूड सप्लीमेंट लेता है। तो दोस्तों हमारे मसल्स को जो है वो प्रोटीन जो है ग्रोथ करता है तो एक कृत्रिम रूप से प्रोटीन का सप्लीमेंट होता है ग्लूटामाइन उसको लेता है खिलाड़ी। किसको लेता है ग्लूटामाइन यानी कि ग्लूटामाइन का दूसरा नाम प्रोटीन एक प्रकार का सप्लीमेंट है। यह शरीर की प्रतिरोधक कार्यप्रणाली को विकसित करने के लिए तथा मसल्स ब्रेकडाउन को रोकने के लिए खिलाड़ी फूड सप्लीमेंट के रूप में ग्लूटामाइन लेता है जो यह प्रोटीन के बायोसिंथेसिस के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आज की वीडियो में डोपिंग से रिलेटेड सारे क्वेश्चन आपके हो गए हैं इससे बाहर आपके क्वेश्चन नहीं पूछ सकता एंड आप थ्योरी सेशन अच्छे से पढ़े होंगे और इस वीडियो को जो 64 क्वेश्चन है इससे बाहर आपको नहीं आ सकता आप अच्छे से पढ़े होंगे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में योगा के चैप्टर के द्वारा योगा की वीडियो के द्वारा। तो तब तक के लिए जय।